आप देख रहे हैं न्यूज लाइन, खबरों की तहतर। रेड हॉट मीडिया हाउस के बैनर तले बनने वाले धारावाहिक बाल रामायण का प्रसारण सर्व सनातन ऐप पर किया जा रहा है, जिसकी डबिंग का काम लखनऊ स्थित शालू क्रिएशन डिजिटल साउंड स्टूडियो में कई दिनों से चल रहा है। आज हम आपको राम, सीता, लक्ष्मण व बाल रामायण के अन्य कलाकारों से रूबरू करवाएंगे। न्यूज लाइव की टीम जब शालू क्रिएशन स्टूडियो पहुंची तो देखा कि बाल कलाकारों का जमावड़ा लगा था। बारी बारी से हर कलाकार अपनी डबिंग करने में व्यस्त था। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं न्यूज लाइव संवाददाता समा खान द्वारा कलाकारों से हुई बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार, मैं हूं समा खान और मैं हूं लखनऊ के शालू क्रिएशन में न्यूज लाइव से। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे डबिंग चल रही है। लखनऊ में एक शूटिंग हुई थी बाल रामायण की, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने, लखनऊ के टैलेंटेड बच्चों ने काम किया था और यहाँ पे अब उसी की डबिंग चल रही है। शूटिंग ख़त्म हो चुकी है तो मैं आज आपको मिलवाऊंगी एक एक कलाकार से। तो आइए अब मिलते हैं इस स्टूडियो से जहाँ पे डबिंग चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्क्रीन है जहाँ पे चल रहे हैं। देखिए, राम जी बात कर रहे हैं, लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं और अभी इसमें रावण जी बात करेंगे, जो रावण जी अंदर हैं आप देख सकते हैं, जो अपनी डबिंग कर रहे हैं, अपनी लाइन्स कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ अपनी लाइन्स कर रहे हैं और डबिंग कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोकेशन पे बहुत सारी आवाज़ों की वजह से आवाज़ें दब जाती हैं एक्टर्स की, तो उसके लिए हमें डबिंग करनी पड़ती है। तो ये वही डबिंग चल रही है जो रावण जी यहाँ पे कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पहले कलाकार हैं हमारे रावण, जो कि आपने रामायण में हमारे रावण जी को देखा होगा। तो हमारे रावण जी प्ले किया था हमारे यश ने। तो आप इनसे बात करिए और जानिए कि शूटिंग कैसी रही और क्या क्या रोमांच किया इन्होंने शूट में। तो रावण जी प्लस यश कह सकते हैं आपको, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं लखनऊ के सालू डिजिटल क्रिएशन स्टूडियो में हूँ और मैं इनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि इन्होंने मुझे डबिंग की एक एक बारीकियाँ बताई और इस सीरियल के निर्देशक सुनील शर्मा जी ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। ओके, कुछ ऐसा बताइए जो आपने इससे पहले ना किया हो और शूटिंग पे एक्सपीरियंस पहली बार किया हो और आपको बहुत मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो, जिसे ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा एक्टिंग लाइन में। मेरा सबसे ज़्यादा रोमांस तो इसमें ये डबिंग ही थी और जो मेरी एक्टिंग थी वो तो मेरे डैड विकास मिश्रा जी ने वो करवाई है। तो इनके डैड विकास मिश्रा जी ने इनको इनक्रेज किया इस एक्टिंग के लिए। तो आपने पहली बार ये निगेटिव रोल किया, जैसा कि बताते हैं कि रावण एक निगेटिव कैरेक्टर थे, तो आपने उसे प्ले किया है, तो आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगा कि आप एक बच्चे हो और रावण जी को प्ले कर रहे हो तो कहीं आपकी छवि ऐसी ख़राब ना हो जाए कभी, ऐसा कोई डर तो नहीं? नो, क्योंकि जो डरते नहीं वो कभी मरते नहीं। देखिए, आप बच्चे का हिम्मत देख रहे हैं, तो आगे मैं आपको और लोगों से रूबरू करवाऊंगी। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली प्यारी सी बच्ची यति सिंह से, जो बहुत ही शांत स्वभाव की हैं और शूटिंग के दौरान उन्होंने खूब मस्ती की। तो आइए इस रामायण के और कलाकारों से आपसे बात करवाते हैं, जिसमें से क्यूट प्यारी सी सीता जी हैं हमारी, जिनको मुझे देख के तो दिल आ गया है, आप भी देखेंगे तो बहुत दिल करेगा आपका मिलने का। तो हम सीता जी से बात करते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, छोटी सी सीता जी से। नमस्कार, मेरा नाम यति सिंह है और मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट लखनऊ में क्लास 5 की स्टूडेंट हूँ। जब लॉकडाउन में रामायण आई थी पहली बार तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सीता जी का रोल मेरे दिल को छू गया और मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे भी सीता जी का रोल करने का मौका मिला। मैं सीता जी की डबिंग के लिए शालू क्रिएशन स्टूडियो में आई हुई। डबिंग के दौरान मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला,
शालू सर इतनी अच्छी तरीके से सिखाते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। शूटिंग में जाती थी तो सुनील सर डायरेक्टर, उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जब शूटिंग का पैकअप होता था तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे। मैं राम के साथ, लक्ष्मण के साथ, सुपर्णा के साथ, रावण के साथ मैं बहुत मस्ती करती थी। हम लोग एक साथ खाना खाते थे, खेलते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। अब हम आपको बाल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार इथार सिंह से मिलवाने जा रहे हैं, जो एक मॉडल भी हैं और बेहतरीन डांसर भी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर काफी पुरस्कार भी जीते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट किरदार से, जो हैं राम जी। तो राम जी से बात करते हैं, जो कि बिल्कुल मुझे कहीं ना कहीं राम जी जैसे ही लग रहे हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, जैसे मैंने सीता जी के बारे में आपको बताया। तो आइए राम जी से बात करते हैं। तो राम जी मुझे ये बताइए कि आपने जो शूटिंग करी है, आपको डायलॉग्स याद करने में या स्क्रिप्ट याद करने में कोई कठिनाई आई, या शूटिंग में जैसा कि मैंने देखा है एक आधा एपिसोड तो वो बहुत ज़्यादा जंगलों से होके निकले हैं आप लोग, तो उस तरह की कोई कठिनाइयाँ हमें बताइए जो आपको शूटिंग के दौरान आई हों। मेरा नाम यथा सिंह कार्की है, मैं बाल रामायण में राम का रोल कर रहा हूँ, और मुझे राम का रोल करते हुए बहुत मज़ा आया और राम जी के बारे में बहुत कुछ पता भी चला। और फिलहाल से आप लोग भी देखेगा, आप अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। और हम लोग ने वहाँ पर जब शूटिंग चली थी तो हम लोगों ने डायरेक्टर के साथ और भी बहुत सारे हम लोगों के फ्रेंड्स बन गए थे, बहुत हम लोगों ने मज़ा किया। और मतलब हम लोगों ने टीम बना ली थी, मतलब एक हम लोग जुड़ गए थे, सब लोग बातें कर रहे थे, सब लोग मस्ती कर रहे थे, कोई वहाँ पे अलग नहीं रह रहा था। तो अभी यहाँ फिलहाल से शालू क्रिएशन स्टूडियो में यहाँ पे डबिंग चल रही है मेरी राम की, और फिलहाल से डबिंग करने के बाद आप भी देखिएगा, ये सर्व सनातन ऐप पर आ रही है, आप भी डाउनलोड करिए और आप देखिए और आप अपने बच्चों को भी दिखाइए। हाँ, मैं इससे पहले मैं डांस और मॉडलिंग एक्टिंग करता हूँ। मैंने पवन सिंह के साथ एक सॉन्ग किया है, वो यूट्यूब में रिलीज़ भी हो गया है, और मैंने मॉडलिंग में फर्स्ट प्राइज़ भी लाया, और मैंने काफ़ी सारे स्टेज प्रोग्राम्स भी किए हैं डांस में, मॉडलिंग में, मतलब मैं हर जगह जाता रहता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण नटखट और गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, उनके किरदार को सक्षम पांडे ने बखूबी निभाया, जो खुद भी बहुत ही नटखट स्वभाव के हैं। तो आइए मिलते हैं सक्षम पांडे से। तो आइए अगले किरदार से मिलते हैं, नटखट से लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी के बारे में जैसे हम जानते भी हैं अपनी रामायण में कि वो थोड़े से नटखट थे, तो इस तरह के ही नटखट हमारे लक्ष्मण जी भी हैं यहाँ, बिल्कुल किरदार से मैच करते हुए। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो लक्ष्मण जी, ये बताइए, जिस तरह के आप थोड़े हमें शरारती, इतनी देर से हमें आप शरारती से ही लग रहे हैं, तो क्या ये शरारतें आपकी सेट पे भी होती रही हैं, और सीन ख़त्म होने के बाद आप लोग क्या करते थे, या सीन शुरू होने से पहले कौन सी प्रिपरेशन होती थी, उस बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम सक्षम पांडे है और मैं शालू क्रिएशन स्टूडियो में बाल रामायण की डबिंग करने आया हूँ, जिसमें मैं लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा हूँ। तो आज मैं पहली बार यहाँ पे डबिंग करने आया हूँ, जिससे मुझे डबिंग का एक्सपीरियंस हुआ, और जो सर हमें डबिंग करवाते हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे से डबिंग करना सिखाया। शूटिंग में तो बहुत मज़े आए, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए थे, जैसे कि राम भैया, सुमन और भी बहुत सारे दोस्त। और जो हमारे सुनील शर्मा सर हैं, वो तो हमें अपने आप ही लाइनें याद करा देते थे और बहुत बारीकी से एक्टिंग के बारे में बताते थे, जैसे हमें क्या एक्सप्रेशंस देने हैं, कैसे डायलॉग्स बोलने हैं, ये सब बहुत आसानी से हो जाता था, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं था लाइनें याद करना। जैसा कि वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह दृश्य किस समय का है। जी हाँ, राम वनवास के दौरान जब भगवान राम को नदी पार करनी थी तो उन्हें एक नाव और केवट की आवश्यकता थी, जो कि रामायण में एक अहम किरदार है। तो आइए आपको मिलवाते हैं केवट की भूमिका निभाने वाले बाल कलाकार अथर्व मिश्रा से। प्रभु, अब आप नाव पर बैठ सकते हैं, आइए। जी, मेरा नाम अथर्व मिश्रा है, मैं 12 साल का हूँ, सेंट जोसेफ कॉलेज की 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, और पहली बार एक एक्टर के रोल में केवट बन के बाल रामायण में आ रहा हूँ, उसी की डबिंग के लिए मैं शालू क्रिएशन स्टूडियो में आया हूँ आज डबिंग के लिए। जी, मेरा सौभाग्य है कि सुनील शर्मा जी ने मुझे काम करने का मौका दिया है, और मैं डबिंग स्टूडियो में पहली बार आया था तो मुझे काफ़ी गलतियाँ हो रही थी डब करने में, बट यहाँ के जो साउंड एडिटर हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है काम करने में, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आएगा। बाल रामायण के निर्देशक सुनील शर्मा ने बताया कि छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत ही चैलेंजिंग था, बच्चे नटखट स्वभाव के होते हैं, उन्हें डायलॉग याद करवाना
और अभिनय करवाना एक चुनौती थी, लेकिन सारे बच्चों ने भरपूर साथ दिया और बन गई बाल रामायण, जिसकी काफी प्रशंसा भी हो रही है। तो चलिए अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे, किसी और बड़ी हस्ती से आपको रूबरू करवाएंगे न्यूज लाइव पर। तो अगर आपको हमारा शो ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूँ अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।